मुख्यमंत्री ने कल कहा था कि किसी कोई तीसरा आदमी जो है सरकार के कामकाज में दखल दे रहा है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम परिवार में, तो क्या वो कौन व्यक्ति है, क्या ऐसा कुछ है? ये तो आप भी जानते हैं। असल में नेताजी की सरलता का, ऐसे लोग जिनको पार्टी के हित से कोई जिनका लगाव नहीं, जो पार्टी के इंटरेस्ट से कतई जुड़े नहीं, ऐसे लोग पार्टी का नुकसान कर देते हैं नेताजी की सरलता का लाभ उठाकर। यही बात कल उन्होंने इनडायरेक्ट वे में कही थी मुख्यमंत्री जी ने। और ये जितने लोग हमसे मिले हैं उन सारे लोगों का यही मानना है, कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक। रामगोपाल जी, जो दो तीन दिन की घटनाक्रम पे नजर डाले, इससे लगता नहीं है कि जो चीजें चल रही हैं समाजवादी पार्टी में उससे पार्टी का नुकसान होगा या फिर आगे चुनाव में जब जाएंगे? असल में ये बातें जो मैंने कहा ना कि जो व्यक्ति पार्टी के हित में रुचि नहीं रखने वाले हैं, वे व्यक्ति नेताजी की सरलता का लाभ उठाकर पार्टी का नुकसान करने पर आमादा हैं शुरू से ही। वो तो कहते ही रहे कि मैं नुकसान करूंगा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने कि बाहर के लोगों का सरकार में हस्तक्षेप को ये बर्दाश्त नहीं है। तो अब चुनाव का वक्त है, अब हर वक्त तक हस्तक्षेप थोड़ी मुख्यमंत्री बर्दाश्त करेंगे। अखिलेश जी अब तो नाराज नहीं है, आपकी मीटिंग हुई, अखिलेश जी अब तो नाराज नहीं है? अखिलेश जी किस पे नाराज थे? अखिलेश जी ने तो बहुत बहुत बातें सुनी, तब भी उनके चेहरे पे आपने सिकंद नहीं देखी होगी। अखिलेश किसी पे नाराज नहीं। रामगोपाल जी कहा कि शिवपाल जी मंत्रिमंडल में थे, हैं और रहेंगे, क्या उनका विभाग नहीं? नहीं, वो तो है, उनका खुद बयान आया कि मैं रहूंगा और रहा, उन्हें कौन सा मना कर दिया? अरे मिनिस्टर मिनिस्टर होता है सर। एक सवाल मेरा है, जैसे आपने कहा कि इस्तीफा देने के लिए कह दे रहा चाहिए था नेताजी को, प्रदेश अध्यक्ष पद ठीक है, वहाँ कुछ गलती भी जैसा आप मानते हैं, लेकिन जिस तरह से शिवपाल यादव के विभाग कम किए गए, ये बात भी उनसे पूछी जा सकती थी जो शायद नहीं पूछी गई। वो ऐसा है, नहीं नहीं, एक्शन कहीं से शुरू होता है तो रिएक्शन दूसरी से शुरू होता है। अब एक्शन एक्शन थोड़ी कौन कर दिया, रिएक्शन था नेचुरल था, उसमें मैं कहूँ कि नहीं था तो मान लो गया या दुनिया मान लिया। अभी जो आप गए मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, क्या बातें हुई आपके बीच में, जो कुछ आप शेयर कर सकते? देखिए मुख्यमंत्री जी से बातें हुई मैं शेयर नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। नेताजी से जब बात हो जाएगी तो जो नेताजी का इशारा होगा वो काम हो जाएगा और किसी तरह की कोई बोल नहीं। सबसे जल्दी कर लिया जाए, क्या आपको लगता है? हाँ तो हो सकता है कल आ रहे हैं अगर नेताजी, तो कल बात हो जाए। कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आहूत करेंगे, क्या होगा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, क्या जरूरत है पार्लियामेंट्री बोर्ड ये फैसले थोड़ी कर। सर जो प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त है, जो आपकी चिट्ठी से प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या उसमें आगे की भी संभावना है? अब संभावनाओं के बारे में हम कोई काल्पनिक बात नहीं कह सकते, ऐसा है। ये जो लोग हैं जिनके बारे में कहा गया है, कल मुख्यमंत्री ने कहा था, ये वही लोग थे जिन्होंने पहले हमारी पार्टी के विधान में कहीं प्रभारी, राज्य के प्रभारी का प्रोविजन नहीं, अध्यक्ष है तो अध्यक्ष है, तो उन्हीं साहब ने नेताजी से कैसे प्रभारी बनवाया, वो ही गलत बने थे। अध्यक्ष हैं ठीक है, लेकिन प्रभारी कोई नहीं होता है राज्य का, न राज्य में न केंद्र में, हमारी पार्टी के विधान में कहीं नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रभारी होगा या राज्य स्तर पर कोई प्रभारी होगा। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी आदमी को भेज दिया जाता है कि आप कितने दिनों के लिए प्रभारी, अपनी रिपोर्ट दे दें, लेकिन कोई राज्य स्तर पर कोई प्रभारी नहीं होता। वो काम भी उन्हीं साहब ने करवाया था जो काम अभी करवाया गया है, और वो केवल नेताजी की सरलता का लाभ उठा। और अब नेताजी को ये कहा गया
अब देखिए कहा जाता है कि देखिए आपको चैलेंज किया जा रहा है, नेताजी को तो कोई चैलेंज नहीं करने वाला, कोई नहीं कहता है। समाजवादी पार्टी में कौन नेताजी को चैलेंज करेगा, जिनकी बनाई हुई पार्टी उनको कौन चैलेंज करेगा। लेकिन उनको यही एक दो लोग हैं जो अपना हस्तक्षेप बात करते रहते हैं। कार्यकर्ता तो यही मांग कर रहे हैं, देखिए अब देखेंगे, एक सीमा से ज्यादा कोई बात होगी तब सोच विचार करेंगे। नहीं सर, आपको लगता है जो पूरा मामला हुआ है उसमें कुछ अफसरों का भी रोल है, क्योंकि जिस तरह से दीपक सिकल वहां गए, हटाया गया उनको लेकर के, मुख्यमंत्री सहज उनको बनाना नहीं चाहते थे, तो इसमें लगता है जो गड़बड़ हुई नेताजी कह चुके हैं कि अफसर गड़बड़ करते हैं, इसमें भी उन्हीं व्यक्ति का हाथ चला जा रहा है। ये मुझे नहीं मालूम है कि नेता वो बनाना नहीं चाहते थे या नहीं, लेकिन उनके बारे में क्या करूं, वो तो एक अधिकारी हैं, कैसे बने क्यों हटे ये मुख्यमंत्री जाने और नेताजी जाने। रामगोपाल जी एक चीज था कि क्या माना जाए कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव में सैद्धांतिक कोई मतभेद है, साफ करें आप। सैद्धांतिक इसमें कहां, सिद्धांत बीच में कहीं नहीं आता, नहीं फैसले तो हो रहे हैं, तमाम जो फैसले हो रहे हैं उसमें कहीं दोनों में मतभेद है, कम्युनिकेशन गैप है। अरे ज्यादातर फैसले तो नेताजी के राय के अनुसार ही हो रहे हैं, तो यही कारण हो सकता है कि मुख्यमंत्री नाराज है क्योंकि उनके फैसले उनके ऊपर थोपे जाते हैं। नहीं नहीं, मुख्यमंत्री नाराज है ही नहीं, मुख्यमंत्री नाराज है ही नहीं। तो कुल मिलाकर क्या ये समझा जाए कि वो अमुक व्यक्ति को किनारे कर दिया जाएगा और सारे जो कथाक्रम हुआ है उसका पटाक्षेप हो जाएगा? पार्टी का के लोगों का आम कार्यकर्ताओं का रुख यही है। अरे मुलायमवादी कुछ नहीं होता है, अगर समाजवादी नहीं है तो काहे का मुलायमवादी, अगर कोई समाजवादी नहीं है तो किस बात का मुलायमवादी। अच्छा बोहेल साहब, आप ये मानते हैं कि पार्टी का काम, संगठन का काम और सरकार का काम दोनों अलग अलग कर देना चाहिए, क्योंकि तमाम अच्छे नहीं, वो कहीं नहीं होता है, वो कहीं नहीं होता है। पार्टी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती ही है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन अब हम जिस तरह से अमेरिकन सिस्टम है उस तरह से नहीं कर सकते, और न हम कम्युनिस्ट सिस्टम की तरफ कर सकते हैं कि पार्टी ही सरकार है, वो भी नहीं कर सकते। दोनों देखिए, सरकार यथा संभव इंडिपेंडेंटली काम करे, लेकिन जो नीतियां हैं वो पार्टी तय करती है, उन नीतियों को सरकार लागू करे। भाजपा ने कहा है कि ये एक्टरों की पार्टी है, अब हमारे यहाँ तो एक्टर कोई है नहीं, अब उनके भाजपा में सब एक्टर शुरू से रहे, एक्टिंग कर कहाँ पहुँच गए। कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट अध्यक्ष, सच्चाई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं साइकिल पंचर हो गई, राहुल गांधी तो कुछ भी कह दें, उन पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते, जिनकी घटिया उठ गई हो उनसे हम क्या कहें। क्या इसमें पूरा परिवर्तन हो सकता है, जो मंत्री बर्खास्त हुए हैं उनको लिया जा सकता है, या इसमें कुछ परिवर्तन है? बिल्कुल स्पष्ट है, अभी हम नहीं कह सकते कुछ। लालू यादव जी ने कहा कि अभी 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 इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो नेताजी से बिना बात किए हुए, मैंने ये पूछा था मुख्यमंत्री से, उन्होंने कहा नेताजी से बिना बात किए हुए मैं इस बारे में कोई बात नहीं कह सकता। आप इस बात से सहमत हैं मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि बाहरी व्यक्ति सारी मुसीबत की जड़ है, आप तो मानते हैं जिनके बारे में? अरे यार बात ये आपकी समझदारी छोटी लग रही है हमें। चार दिन के पहले की स्थिति थी बाजी में, मंत्रालय में वो बहाल होने जा रही है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे विभाग को लेकर, अभी कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए तो मैंने कहा कि अंतिम फैसला तो नेताजी को लेना है, इसलिए अगर मैं ये कहूँ तो राय अगर हमसे मांगी जाएगी तो राय दूंगा, राय नहीं मांगी जाएगी तो कोई राय नहीं, बिना मांगे मैं राय नहीं देता। नेताजी कल आ रहे हैं आज, ये पता चला कि कल आ रहे हैं। आप रुके हैं सर, कल रहेंगे लखनऊ में? कल मैं यहाँ से 6 बजे चला जाऊंगा सुबह। इतनी देर, एक दिन के लिए आ गए, इतनी काफी हमारा यहाँ क्या काम है? अरे हम तो क्या, तो कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से प्रेम।
मंत्री बर्खास्त किए गए हैं, गायत्री प्रसाद प्रजापति लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और दबाव बना रहे हैं कि मंत्रिमंडल में वापसी हो। वो तो आदमी सब अपना अपना प्रयास करता ही है, उसमें क्या, इट इज नॉट अननेचुरल। फाइलें फाड़ी जा रही हैं, राजकिशोर अपने ऑफिस की फाइलें फड़वा रहे हैं, ये स्थिति है उनकी। नहीं, राजकिशोर ने ऐसा गलत काम कोई किया नहीं जो फायदे फड़वा रहे हैं। नहीं नहीं, अरे यार ये जो जिन्होंने निकाला है उनसे पूछिए, मैं चीफ मिनिस्टर होता नहीं निकालता। आप कहते हैं कि नेताजी में और मुख्यमंत्री जी में बातचीत होती रहती है। नेताजी कहते हैं कि उन्हें टेलीविजन से पता चला कि गायत्री प्रसाद प्रजापति और राजकिशोर सिंह बर्खास्त हो गए हैं, तो इतना बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ले सकते हैं इंडिपेंडेंट? ये तो सही बात नहीं, हमने कुछ नेताजी के बारे में कहना नहीं चाहता, नेताजी ने ही निकलवाए।